नहीं, मैं उदास नहीं बैठी हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों की हालत कई बार ऐसी हो जाती है जब एग्जाम आने वाला होता है. सो वो एग्जाम फियर लगा लो, एनजाइटी लगा लो, नर्वसनेस, ठीक है. सो वो पेट में तितलियों वाली सिचुएशन की पता नहीं क्या ही होएगा, ठीक है. सो वो या तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा होता है या बहुत कम पढ़ रखा होता है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी जो है एनजाइटी वाली फीलिंग आपको होती है. उससे कैसे डील किया जाए, इसके बारे में आज बात करेंगे. तो मैं उदास नहीं हूं और आपको भी उदास नहीं होना है जब तक मैं हूं, ठीक है. सो उदास बिल्कुल नहीं होना है. सबसे पहली चीज जो ये एग्जाम फियर आपको जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वो फील होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना है कि चलो ठीक है, एग्जाम फियर है और शायद उसी वजह से डर लग रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक्सेप्ट भी नहीं करते, उनको ये होता है कि मुझे लगता है कोई बीमारी हो गई, पेट खराब है, ये वो. तो वो बीमारी का बहाना नहीं देना है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि जो ये एंजाइटी या नर्वसनेस आपको हो रही है वो एग्जाम की वजह से हो रही है, ओके. जिसको हम एग्जाम फियर बोल देते हैं कि हाँ एग्जाम आने वाला है तो डर लग रहा है थोड़ा सा. तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसको फेस करने के लिए जिम्मा उठा लीजिए कि हाँ ठीक है, इससे फेस करना है और इसको डील करना है, ठीक है. कैसे डील करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको. तो सबसे पहली चीज, उस टाइम पे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो वो ऑब्वियसली आप सडनली कुछ नहीं कर सकते, बट जितना पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज कीजिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आप जो है 12-12 घंटे किताब लेके बैठे, बिकॉज 12 घंटे किताब लेके बैठना मतलब पागलों वाली सिचुएशन है. 12 घंटे इकट्ठा बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता, ना आप पढ़ सकते, ना मैं पढ़ सकती, ना कोई ऐसे दुनिया का टॉपर तक नहीं पढ़ सकता जिसने सारे एग्जाम टॉप किए हों. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 12-13 घंटे लगातार बैठे बैठे पढ़ते रहें, ओके. सो वो गैप्स लेना सीखिए अपनी स्टडीज के बीच में, और वो 12 घंटे लगातार बैठने की बजाय सिर्फ किताब लेके ऐसे लटके लेने की बजाय आप अगर 6 घंटे भी पढ़ लेंगे ना, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेंगे, वो भी मोर देन इनफ होंगे आपके लिए. सो ये चीज ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है 12 घंटे की बजाय आप कम कर दीजिए टाइम, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं, जितनी देर आप पढ़ रहे हैं, वो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, ठीक है जी. तो ये सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है. अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है कोई बात नहीं, उस टाइम पे बुक बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन उस टाइम पे आपको फोन स्क्रॉल नहीं करना है, ओके. फोन का जितना भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपनी स्टडीज के लिए कीजिए. चाहे आप इंकलकेट लर्निंग की वीडियो देख रहे हो, आपको किसी और टॉपिक के बारे में सर्च करना हो, तो वो जो हेल्प है ना वो उस फोन से लीजिए, रादर देन वहां पे स्क्रॉल करने लग जाएं. और ये सबके साथ होता है आजकल, जब से शॉर्ट्स और रील्स आई हैं, आप जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू करते हैं आप इस उम्मीद के साथ कि अगले वाली तो अच्छी आएगी, क्या आ रहा है कुछ और अच्छा आएगा, ठीक है. सो उस उम्मीद के साथ आप स्क्रॉल करते करते आपको खुद को आइडिया नहीं होता. कई बार मैं करती हूँ या हम लोग करते हैं, उसमें भी आइडिया नहीं होता वो आधा घंटा कब चला जाता है. बट कॉन्शियसली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वो आधा घंटा वेस्ट ना करें स्क्रॉल में, क्योंकि अगर आपने स्क्रॉल में टाइम वेस्ट कर दिया, चलो टाइम तो वेस्ट हुआ ही आधा घंटा, उसके बाद का जो आधा घंटा है वो और वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डिप्रेस्ड फील करेंगे कि यार मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, ओके. सो वो चीजें नहीं करनी है. सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. स्ट्रेस हो भी रहा है तो या तो पढ़ लीजिए, कंसंट्रेशन बन रही है, तो नहीं बन रही है तो डेफिनेटली फोन स्क्रॉल नहीं करना है. अब आप बोलेंगे नहीं करना है, नहीं करना है, बोल रहे हो करें क्या, तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे. स्किपिंग कर लीजिए, थोड़ा चल के आ जाइए, ठीक है, या फैमिली के साथ बात कर लीजिए, किसी फ्रेंड के साथ बात कर लीजिए. सो वो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा वो स्क्रॉल करने से, तो ठीक है. सो ये चीजें आप कर सकते हैं कि आप जो है वॉक पे जा सकते हैं, या क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना तो आपके बॉडी में भी हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा हैप्पी और बेटर फील करते हैं, ठीक है. एटलीस्ट आपने अगर उस टाइम में वॉक किया है और आप अगर चल के आए हैं थोड़ी दूर, तो आपको ये रहेगा कि चलो ठीक है, आप थोड़ा बेटर फील हो रहा है. बाहर निकलिए थोड़ा सा उस कमरे से ना जहां पे आप बैठ के 12 घंटे बिता रहे हैं. सो वो एग्जाम फियर, सबसे पहली चीज उसको एक्सेप्ट कीजिए. आप कोई बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं है कि आपको अलग से हो रहा है. सबको नर्वसनेस होती है कि हाई पेपर आ रहा है, क्या करें क्या करें. तो उस टाइम पे ये मत सोचिए कि बिल्कुल ऐसे 12-14 घंटे आज ही पढ़ डालेंगे सब कुछ. अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो उसको मेंटेन कीजिए, रिविजन चालू रखिए. जितना ज्यादा रिवाइज आप करेंगे उतनी ज्यादा एंजाइटी आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि आपको वो चीजें आती होंगी.
कई बार ऐसे भी होता है और वो सबके साथ होता है, लेट मी टेल यू, कि आप ऐसे सोचते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं ना, तो आपको और ज्यादा होता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो इट्स ओके, वो सबके साथ होता है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको चीजें याद आएंगी क्योंकि आपने पढ़ी हैं वो चीजें। लेकिन वो तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएंगी जब आप कैसे भी करके आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम रखें और कामनेस बनाए रखें। मतलब ज्यादा से ज्यादा यही थॉट प्रोसेस बना लीजिए ना कि क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, पढ़ रखा है, जो आएगा वो कर देंगे, नहीं आएगा तो देखी जाएगी। तो ये चीज भी एक पॉइंट कई बार वो कामनेस में हेल्प करते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल के लिए काम रह के जितना आता है उतना तो करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप फैमिली से बात कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं, उस टाइम पे आप एक लंबी सांस लेके आप पानी वानी भी पी सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, तो सबके वो मेडिटेशन कर सकते हैं। सबके अपने अपने जो है कंफर्ट जोन होते हैं कि हाँ यहाँ आप बैठ के, या कई लोग होते हैं ना जैसे चाय कॉफी लेके बैठ जाते हैं कहीं पे एक जगह पे, तो उनको उसमें रिलैक्सिंग फील होता है। सो आपको जिसमें बेटर फील हो वो चीज कीजिए। लेकिन लेट मी टेल यू, आपको अगर लगता है आप फोन स्क्रॉल करने से या थोड़ी देर कुछ देखने से आपको ठीक हो जाएगा, वो कभी नहीं होता है, ओके? वो आपको उल्टा डिप्रेस्ड फील करा देगा कि आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, स्क्रॉल कर लिया। सो वो सारी चीजें मत कीजिए जो आपको और ज्यादा डिप्रेशन में डालें, डिप्रेस्ड फील कराएं कि अब क्या होगा पता नहीं, ठीक है। बाकी काम रहिए, और कोई ऐसे वो होता ना ताबड़तोड़ चीजें करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें शायद अपने आप में बदलनी होती है, अगर हम वो बदलेंगे सो लाइफ एक्चुअल में ब्यूटीफुल बन जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो में सुन के एटलीस्ट इतना तो समझ आया होगा कि आपको अपने फियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप एक्सेप्शन नहीं है, ये सबके साथ होता है। चाहे कोई टीचर भी अगर आज एग्जाम देने जाएगा ना, जिसने सब कुछ पढ़ा रखा है, उसको भी वो एंजाइटी, वो नर्वसनेस होगी, ओके? और थोड़ी बहुत नर्वसनेस ओके भी होती है, बट उसको हाँ भी मत होने दीजिए कि आप जो पढ़ा है वो भी भूल जाएं। ओके, सो आई होप आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल रहें। आप कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी ये चीजें फील होती हैं। मुझे पता है वैसे होती हैं, ठीक है। तो अब आप एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं, और एक्सेप्ट करके कमेंट कर पाते हैं नहीं, वो थोड़ा सा लंबा स्टेप हो गया। सो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं इस चीज को, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे कि ठीक है काम रहना है, ये चीजें, नई आदतें जो है वो अच्छे वाली डेवलप करनी है। ओके, फिर भी अगर कोई और दिक्कत, कोई और क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।